और इस हफ्ते हमने देखा सर अच्छा एक्शन आ रहा है, ये ओमिक्रॉन के डर की वजह से ये ड्रग अप्रूवल्स आए या फिर थोड़ा एक डिफेंसिव रुझान भी बन रहा है बाजार का जिसकी वजह से फार्मा में इतना मोमेंटम दिख रहा है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि दोनों ही रीजंस वैलिड है, लेकिन आई थिंक जो ड्रग अप्रूवल्स आया है ओमिक्रॉन के वायरस के लिए, मुझे लग रहा है कि काफी कंपनीज जो अभी 15 से 18 की उम्र में वैक्सीन सप्लाई करेगी, इसमें कैडिला की हमको लग रहा है काफी समय से स्टॉक स्टैग्नेंट था, तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपमूव देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी क्योंकि इनको सारे अप्रूवल्स गवर्नमेंट से मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों रीजंस वैलिड है और होपफुली यू नो ये 2 जनवरी से यू नो 15 से 18 यू नो एज के जो पॉपुलेशन के जो यू नो यंग लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगेंगी, तो ऑब्वियसली मार्केट अनुमान करेगी कि कितना रेवेन्यू पोटेंशियल और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज ये फार्मा कंपनीज को मिलेगी। तो डेफिनेटली इस कारण से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आपको आज फार्मा कंपनीज में देखने को मिली। दूसरी एक ट्रेंड दीपांशु मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो बजाज ऑटो का जो यू नो ईवी प्लांट शुरू करने का डिसीजन के बाद काफी ऐसे ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है जो इनको सप्लाई करती है, इसमें काफी बड़ी हलचल देखने को मिली है। तो मैं निवेशकों को कहूंगा कि यहाँ पे क्लोज वॉच करें, स्पेशली अगर हम गैब्रियल इंडिया की बात करें, लुमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात करें, महिंद्रा सीआई, तो ये सारे शेयर्स काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि होपफुली अगर वेंचर जून 22 तक प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारता है तो ये सारी कंपनीज को हम एज्यूम कर सकते हैं कि फ्रेश ऑर्डर बिजनेस इस ईवी प्रोडक्ट के लिए भी मिलेगा और ये डेफिनेटली इनके अर्निंग्स के लिए और इनके फ्यूचर परफॉर्मेंसेस के लिए काफी अच्छी रही। अविनाश जी, और दर्द दिखने को मिल सकता है इन कंपनीज के, पीवीआर, आइनॉक्स और भी जो ओपनिंग अप थीम से जुड़ी काउंटर्स है, क्योंकि वापस रेस्ट्रिक्शंस लगने की बात हो रही है जैसे कुशल भी बता रहे थे? नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि ओमिक्रॉन का वायरस भले ही जानलेवा नहीं है लेकिन डेफिनेटली जिस प्रकार से केसेस अभी बढ़ी है, गवर्नमेंट्स अभी लॉकडाउन तो नहीं कर रहे लेकिन पार्शल थोड़ा सा यू नो रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, जैसे कर्फ्यू है, यू नो शॉप्स और एंटरटेनमेंट मॉल जल्दी बंद हो रहे हैं, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनके रेवेन्यू पे जरूर आएगा, स्पेशली जो मल्टीप्लेक्स वाली कंपनियां हैं। मेरे को लगता है कि जो मूवीज लाइंड अप हुई थी दिसंबर के लिए अगर वो जनवरी में यू नो प्री शेड्यूल होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि उतना जो रेवेन्यू पोटेंशियल यू नो ये कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं आएगी, तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आएगी। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि जैसे सेकंड क्वार्टर में इन कंपनीज ने लॉस किया था आइनॉक्स, पीवीआर, ये ट्रेंड आपको तीसरी तिमाही में भी देखने को मिलेगा, तो अभी रिवाइवल शायद आपको अप्रैल यू नो 22 से ही देखनी पड़ेगी। होपफुली यू नो वायरस का क्या स्टेटस है, क्या नॉर्मलसी का स्टेटस है, ये सब बातें मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर ऑल दिस यू नो मल्टीप्लेक्स सेक्टर। और अनलॉकिंग थीम्स की बात करें तो क्लियरली 2-3 महीने थोड़े से वोलेटाइल रहे। अविनाश जी, आपको कौन सा हॉस्पिटल पसंद है? अपोलो, फोर्टिस, नारायण, मतलब स्टॉक खरीदने के लिए आज से? इनफैक्ट अनिल जी, मैं समझता हूँ देखिए हॉस्पिटल स्पेस में आने वाले साल में बहुत अच्छी तेजी चलेगी क्योंकि ओवरऑल इंडिया में जो बेड की कैपेसिटी है वो काफी कम है और मार्केट लीडर तो अपोलो हॉस्पिटल है, इनके सबसे ज्यादा बेड्स है, बट मैं समझता हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल्स में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। कंपनी अभी प्रॉफिटेबल हो गई है, अभी एक एमएनसी कंपनी है और अगर किसी को लंबी अवधि के लिए खरीदना है तो मेरे ख्याल से फोर्टिस हॉस्पिटल में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। पुराने हिस्ट्री कंपनी की काफी खराब थी लेकिन अभी जो नए प्रमोटर आए हैं और प्लस जिस प्रकार के हेड टेलविंड्स अभी हॉस्पिटल सेक्टर में दिख रहे हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। तो प्योरली फ्रॉम मीडियम टर्म आई थिंक फोर्टिस लुक्स अट्रैक्टिव, बाकी सारे प्लेयर्स भी अच्छे हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा यू नो अभी वेल पोजिशन लग रहा है। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे भी जीएनएफसी पसंद है, पुराना रेकमेंडेड स्टॉक है आपके चैनल पे, तो मुझे लग रहा है अभी एफएनओ में आने के बाद तो डेफिनेटली इसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट भी आएगा, वो क्लियरली फंडामेंटल स्ट्रांग है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और इनका जो मेन प्रोडक्ट है बेसिकली जो टीडीआई और एथाइल एसीटेट, यहाँ पे हमको लग रहा है काफी बड़ी तेजी प्राइसेस में देखने को मिली है, तो इसका इम्पैक्ट आपको Q3 के नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। तो जीएनएफसी डेफिनेटली लगता है कि यही शायद सबसे अच्छा पोजिशनल है यू नो फ्रॉम द एफएनओ पैक। ओके।